व्यू वाली सफारी आगे निकलते हुए ओके ओके उसको ब्रेक मारने पड़े, थोड़ा साइड करते हैं उस बंदे को थोड़ा। ओ भाई साहब व्यू वाली टाट सफारी जो है गाइस। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल बढ़िया सब। तो गाइस हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5 और गाइस आज हम यहाँ पर अपनी ओल्ड इंडियन कार वर्सेस न्यू इंडियन कार के बीच में गाइस टोइंग ड्रैग रेस करने वाले हैं। तो जी हां गाइस, आप लोगों ने सही सुना है, आज की ड्रैग कोई नॉर्मल ड्रैग नहीं होने वाली है, आज की ड्रैग गाइस यहाँ पे होने वाली है टोइंग वाली। तो गाइस आपको जो पीछे दो मारुति 800 दिख रही है, इन अपनी जो गाड़ियों की जिनकी भी ड्रैग होगी उनको ये टो करना है और साथ ही साथ रेस भी करनी है। तो मतलब मजा आज डबल हो रहा है गाइस यहाँ पे। और रूल सिंपल से है, एक ये अपना स्टार्टर पॉइंट है, सामने अपना फिनिश पॉइंट है, तो जो भी गाड़ी सबसे पहले अपना फिनिश पॉइंट टच करेगा वो यहाँ पे विनर हो जाएगा। तो गाइस अभी ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, फटाफट से यार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे दोनों गाड़ियों के पीछे रस्सी बांध दी गई है और सबसे पहले ड्रैग हो रही है भाई अपनी न्यू वैगनोर वर्सेस ओल्ड के बीच में। और ये मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, ये तो भाई दोनों की दोनों वैगनोर जो है वो भाई यहाँ पे नहीं खींच पा रही है, बट यार न्यू वाली वैगनोर थोड़ी सी तो भाई खींच पा रही है और भाई ये तो चल भी नहीं पा रही है यार यहाँ पे भाई, ड्रैग क्या ही होगा गाइस। ओ नो गाइस, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, इन दोनों में से जो है ओके भाई अपनी न्यू वाली वैगनोर जो है यहाँ पे खींच तो रही है, धीरे धीरे खींच रही है, और ओल्ड वाली वैगनोर का भी हाल बिल्कुल अपने ही जैसा सेम है गाइस। तो गाइस यहाँ पे भाई इन दोनों का मैच तो आई थिंक से ड्रॉ होने वाला है, क्योंकि दोनों में से कोई भी जो है अच्छे से भाई इस मारुति 800 को यहाँ पे खींच नहीं पा रहा है, तो मतलब खींच भी नहीं पा रहा है, तो ड्रैग तो यार क्या ही होगी। और ऐसे अगर मैं लेके जाऊँगा ना भाई तो मेरे को लग रहा है मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तब जाके अपन फिनिश लाइन पर पहुँचने वाले हैं। एंड हाँ गाइस, मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं कि अपन ने इसमें दो दो राउंड करेंगे, तो पहले राउंड में जैसे अपन नई कार चला रहे हैं सेकेंड राउंड में ओल्ड कार को चलाएंगे, ऐसा सीन करने वाले हैं। बट इन दोनों के केस में जो है ओके ओके गाइस, यहाँ पे न्यू वाली वैगनोर थोड़ी सी अच्छी परफॉर्म कर रही है, आप लोग देख सकते हो अपन वैसे काफ़ी दूर आ चुके हैं, ऐसा मतलब थोड़ा सा मगजमारी करते हुए खींचते खींचते, पर यार उतना कुछ खास वैसे मज़ा नहीं आया मतलब फर्स्ट राउंड में। तो इन दोनों का तो मतलब मैच ड्रॉ होता है, इनका सेकंड राउंड भी अपन नहीं करते, तो बढ़ते गाइस अगली कार पे। तो गाइस अभी अपनी ड्रैग यहाँ पे हो रही है भाई न्यू इनोवा क्रिस्टा वर्सेस ओल्ड के बीच में, एंड देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। तो गाइस 3-2-1 एंड गो, और भाई न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा यहाँ पे भाई मारुति 800 को खींच के ले जा रही है, और ओके ओल्ड वाली इनोवा भी आ रही है गाइस, आ रही है, पर भाई अपनी न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा थोड़ा आगे है। और स्पीड देख सकते हो यार 15 की स्पीड हो रही है, मतलब ज़्यादा कुछ खास स्पीड नहीं हो रही है, बट गाइस मेरे को लग रहा है अपनी न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा जीत जाएगी। और पुरानी वाली इनोवा जो है गाइस भाई वो देख सकते हो कहाँ पर रह गई यार, वो तो वहीं पर खड़ी रह गई गाइस। ओके आ रही है आ रही है आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, पर गाइस यहाँ पर मेरे को लग रहा है भाई अपनी न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा बहुत ही आराम से जीत जाएगी, क्योंकि देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा गैप बना दिया, बहुत ही अच्छा गैप बना दिया है। अगर उसमें भाई एकदम से पावर भी आ जाएगी ना, फिर भी मेरे को नहीं लगता कि वो कवर अप करने वाली है। एंड सामने गाइस अपना फिनिश लाइन अपन को धीरे धीरे नज़र आने लगा है, और यहाँ पे भाई पुरानी वाली इनोवा तो दूर दूर तक अभी नज़र भी नहीं आ रही है गाइस। ओके तो गाइस आई थिंक से रिजल्ट क्लियर हो चुका है अभी से, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो अपनी न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा जीत गई है, अभी सेकंड राउंड में जब अपन ओल्ड वाली को चलाएंगे तब सारा का सारा जो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। फिलहाल तो फर्स्ट राउंड में गए तो अपनी न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा जीत जाएगी, और स्पीड जो है ज़्यादा खास नहीं पहुँची, मतलब सोच सकते हो यार मारुति 800 भाई काफ़ी ज़्यादा पुरानी कार और भारी भी है यार, मतलब दिखने की छोटी लग रही है भाई साहब, देख लो इनोवा क्रिस्टा को भाई कितनी पावर लगानी पड़ रही है उसको खींचने के लिए, और फिनिश लाइन भाई काफ़ी दूर लग रहा है मेरे को अभी। एंड यहाँ पे गाइस न्यू ओल्ड वाली इनोवा क्रिस्टा तो देख सकते हो यार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है भाई, अब तो दिखना भी बंद हो गई है मेरे को, अब मेरे को बस सामने अपनी मंजिल नज़र आ रही है, समझ रहे हो गाइस यहाँ पे अपन को सामने अपनी मंजिल नज़र आ रही है। और क्या बोलते हो गाइस, ये राउंड यहीं पे फिनिश करते हैं, बिकॉज ओल्ड वाली इनोवा क्रिस्टा तो आ भी नहीं रही है, तो अपनी न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा गाइस फर्स्ट राउंड की अभी विनर हो चुकी है, अभी सेकंड राउंड में जब अपन चलाएंगे तब देख लेते हैं क्या होता है। तो ओके गाइस अपना सेकंड राउंड यहाँ पे होने वाला है स्टार्ट, और गाइस अभी अपन चला रहे हैं यहाँ पे ओल्ड वाली इनोवा क्रिस्टा और वो बंदा चलाएगा न्यू इनोवा क्रिस्टा को, देखते हैं दोनों में से कौन जीता है, और ड्रैग स्टार्ट हो चुकी है। ओके गाइस यहाँ पे भाई साहब मैं क्या देख रहा हूँ भाई, ओल्ड वाली इनोवा क्रिस्टा यहाँ पे ओके गाइस भाई ओल्ड इनोवा क्रिस्टा के अंदर उतनी पावर नहीं है जितनी कि भाई अपनी न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा के अंदर है गाइस, हालांकि डिफरेंस सेम है, मतलब साफ साफ है कि भाई ये 2.0 है और वो 2.7 है, तो यार पावर का तो पंगा तो है गाइस, पावर का खेल तो है, बाकी भाई अपन काफ़ी पीछे रह गए और वो बंदा देख सकते हो धीरे धीरे करके आगे जाता जा रहा है, और यहाँ पे मेरे को इस गाड़ी को खींचने के लिए भाई कितनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है आप लोग देख सकते हो गाइस, एंड मतलब झटके मार मार के लेके जाना पड़ रहा है भाई, ऐसे अगर मैं जाऊँगा ना तो वो बंदा बहुत ही आराम से जीत जाएगा, हालांकि उसकी भी स्पीड ज़्यादा नहीं है, मैं ये ड्रैग जीतने के लिए भाई आगे पीछे कर सकता हूँ, पर यार उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ऐसे खींचने पर।
एंड लेट्स गो। ओके भाई, ओल्ड वाली रोबो किस्टा की तो बिल्कुल ही दम सी मर जा रही है यार। कि चलो दोबारा पावर लगा दें। ओ भाई खींच रही है, खींच रही है। नहीं यार, एक टाइम मतलब झटके मार के ही खींचती है, फिर उसके बाद ही बिल्कुल मर सी जाती है। गाइस देख सकते हो यहाँ पे, अभी थोड़ा सा खींच रही है एंड 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 धीरे धीरे करके भाई पूरी की पूरी पावर की ऐसी की तैसी हो जाती है गाइस। तो यार गाइस यहाँ पे अपनी क्लियर विनर जो है वो गाइस अपनी न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा है। आप लोग देख सकते हो भाई, मैं इतना ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, मतलब उस बंदे से बेटर मैं ट्राई कर रहा हूँ, आगे पीछे भी कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ। उसके बाद भी गाइस देख सकते हो यार, अपनी ओल्ड वाली इनोवा क्रिस्टा जो है गाइस वो यहाँ पे भाई इस ड्रैग में नहीं जीत पा रही है। तो गाइस इन दोनों में से भाई न्यू वाली इनोवा क्रिस्टा क्लियर विनर होती है। बाकी बढ़ते हैं गाइस अगली कार पे। गाइस अभी अपनी ड्रैग रेस यहाँ पे होने वाली है भाई, महिंद्रा बोलेरो नियो वर्सेस बोलेरो के बीच में। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। और ड्रैग हो चुके हैं स्टार्ट, और भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ, बोलेरो तो भाई ओ भाई चढ़ गई 800 के ऊपर। एंड ओके गाइस भाई ओल्ड वाली बोलेरो जो है भाई वो यहाँ पे मारुति 800 को नहीं खींच पा रही है। और वहीं पर भाई साहब अपनी जो ये वाली न्यू है गाइस वो देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक स्पीड में खींच रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में तो गाइस अपन ही जीतेंगे, मेरे को लग रहा है अपन ही जीतने वाले हैं। और जी हाँ गाइस, भाई अपनी न्यू वाली मतलब बोलेरो न्यू देख रहे हो भाई, क्या खतरनाक ही भगा के ले जा रही है भाई 800 को यहाँ पे। और वहीं पे भाई अपनी ओल्ड वाली बोलेरो जो है थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, मेरे को दिख रहा है गाइस। भाई अब तो दिखना भी नज़र मतलब दिखना भी बंद हो चुकी है यार वो वाली कार। लेट्स गो भाई, बोलेरो न्यू देखो भाई सेकेंड गियर में भी चल ले रही है यार। एंड भाई ये तो गाइस थोड़ा सा अनफेयर सा लग रहा है, बट अभी सेकंड राउंड बचा है, सेकंड राउंड में अपन चलाएंगे तो पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इन दोनों में से कौन विनर होता है। फिलहाल तो फर्स्ट राउंड में देख सकते हो गाइस अपनी जो बोलेरो न्यू है भाई वो बहुत ही आराम से जीत गई है भाई। अपन फिनिश पॉइंट पर पहुँचने भी वाले हैं। और इसी के साथ गाइस अपन इस ट्रैक को जीत चुके हैं। तो गाइस पहले राउंड में तो यार बोलेरो न्यू जीत गए, अभी सेकंड राउंड में देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, अपना सेकंड राउंड हो चुका है स्टार्ट, और गाइस अभी अपन बोलेरो को चला रहे हैं, देखते हैं इन दोनों में से अब कौन जीतता है। और ड्रैग स्टार्ट हो चुकी है और अपनी बोलेरो यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। एंड यहाँ पे ओके गाइस अभी तो बोलेरो चल रही है, पर यार न्यू देखो भाई कितनी तेज जा रही है। ओ नो गाइस यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भाई, अपनी पुरानी वाली बोलेरो काफ़ी स्लो स्पीड हो रही है एंड धीरे धीरे करके स्पीड मरने वाली है गाइस इसकी, बिल्कुल ही स्पीड मर गई। और भाई अपनी कार तो रुक चुकी है, और न्यू देखो यार न्यू तो भाई पहुँचने भी वाली यार फिनिश पे। ओ नो भाई साहब, गाइस ये तो गड़बड़ सीन है भाई। तो यहाँ पे भाई विनर आप लोगों के सामने आ चुका है गाइस निकल के। विनर जो है भाई न्यू वाली बोलेरो न्यू है, क्योंकि वो कार जो है भाई अपना फिनिश लाइन पे पहुंच भी गई होगी शायद। हाँ गाइस पहुंच भी गई है यार, और अपन भाई अभी आधा रास्ता भी कवर नहीं हुआ है। तो भाई क्या ही बताओ यार, यहाँ पे न्यू वाली बोलेरो न्यू भाई जीत चुकी है भाई। गाइस अपनी अगली ट्रैक रेस यहाँ पे होने वाली है भाई, फॉर्चुनर लेजेंडर वर्सेस अपनी क्या बोलते हैं फॉर्चुनर के बीच में। देखते हैं दोनों में से कौन जीतेगा। एंड ये हो चुके ट्रैक स्टार्ट, और गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, लेजेंडर नहीं खींच पा रही है। पर यार लेजेंडर भाई कैसे नहीं खींच पा रही है यार, भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो भाई कितनी खतरनाक स्पीड से गाइस अपनी लेजेंडर खींच रही है। और फॉर्चुनर देख सकते हो काफ़ी पीछे रह चुकी है, और भाई लेजेंडर की स्पीड देखो यार, भाई क्या स्पीड से खींच रही है यार, क्या मस्त स्पीड से खींच रही है। और फॉर्चुनर देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए भाई, बहुत ज़्यादा पीछे अपन ने छोड़ दिया है। एंड यहाँ पे गाइस पहले राउंड में तो भाई अपनी लेजेंडर ही विनर होगी भाई, पक्का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉर्चुनर मगर अभी एकदम से आत्मा भी आ जाएगी ना किसी की, फिर भी नहीं जीत पाएगी यार। भाई बहुत अच्छा खासा लीड पकड़ लिया भाई अपन ने, एंड अपन तो फिनिश लाइन पे पहुंचने ही वाले हैं, और फॉर्चुनर के तो आते ही पते नहीं है गाइस अभी तक। ओ गाइस देख सकते हो यहाँ पे भाई अपनी जो फॉर्चुनर है वो भाई फर्स्ट राउंड में जीतते हुए गाइस, अभी सेकंड राउंड में जब अपन फॉर्चुनर मतलब लेजेंडर जीतते हुए सॉरी फॉर्चुनर जब अपन सेकंड राउंड में चलाएंगे तब देखेंगे भाई क्या होता है। तो फर्स्ट राउंड में तो गाइस लेजेंडर जीत गई, अभी सेकंड राउंड पे बढ़ते हैं। ओके गाइस अपना सेकंड राउंड होने वाला है स्टार्ट, और अभी गाइस अपन फॉर्चुनर को ड्राइव कर रहे हैं, और लेजेंडर भाई निकल चुके हैं तो मेरे को थोड़ा पीछे लेके भगाना पड़ेगा। चलो कम ऑन लेट्स गो। और गाइस भाई फॉर्चुनर, ओ नो गाइस फॉर्चुनर की तो दम निकली जा रही है भाई यहाँ पर खींचने में। यार ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, मारुति 800 ऐसी कार को भाई अपनी फॉर्चुनर नहीं खींच पा रही है यार। ओके अभी खींच रही है गाइस, स्पीड ठीक ठाक हो चुकी है भाई 21 की स्पीड से। एंड गाड़ी देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा फिसल रही है फॉर्चुनर, और स्पीड अभी धीरे धीरे बढ़ने लगी है गाइस, क्या अपन जीतेंगे। ओके सेकंड गियर डालना थोड़ा बेवकूफ़ी हो सकता है यहाँ पे, फर्स्ट गियर भी चलाना पड़ेगा। कम ऑन, ओ भाई साहब फॉर्चुनर भाई अब स्पीड पकड़ रही है, एंड सेकंड गियर डालते ही ना थोड़ा सा गाड़ी का परफॉर्मेंस डाउन होता है, बट यार लेजेंडर गाइस ऑलरेडी भाई फिनिश लाइन पर अपना पहुँचने वाली है। एंड
शायद वो पहुंच भी गई गाइस। हाँ भाई पहुंच गई है गाइस अपना फिनिश लाइन पे यार। मतलब लीजेंडर यार थोड़ी सी मेरे को लग रहा है ज़्यादा पावरफुल है यार, मतलब ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड गाइस अपनी जो लीजेंडर है वो भाई फिनिश लाइन पे पहुंच भी गई है और वो बंदे देखो इधर उधर नचा भी रहा है भाई, घुमा रहा है इधर उधर अपनी भाई मारुति अटेंडेंट को, और अपनी फॉर्च्यूनर अभी तक नहीं पहुँची है। तो यार गाइस अपनी इस ड्रैग रेस की भाई क्लियर विनर होती है भाई अपनी लेजेंडर फॉर्च्यूनर। वैसे काफ़ी सही ट्राई मार रही है देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पे अपन फिनिश लाइन तक तो ले जा सकते हैं इसको, और थोड़ा सा बचा है ज़्यादा नहीं बचा है। चल चल कम ऑन फॉर्च्यूनर भाई, फॉर्च्यूनर में पावर तो है भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी गाइस, पावर तो है भाई अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर। पर यार ऐसी पावर का क्या फ़ायदा यार कि अपन रेस हार गए भाई, दोनों के दोनों राउंड हार भाई, मतलब हार चुकी है भाई अपनी फॉर्च्यूनर यहाँ पे। तो गाइस अभी भैया ज़्यादा इस गाड़ी के दम नहीं निकालते हैं, बढ़ते हैं यार अगली कार पे। गाइस अपनी अगली ड्रैग रेस यहाँ पे होने वाली है ओल्ड थार वर्सेस न्यू थार के बीच में, और देखते हैं इन दोनों में से भाई कौन जीतता है। ड्रैग हो चुकी है गाइस स्टार्ट, और भाई सब ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, पुरानी वाली थार ओके पावर है भाई पुरानी थार के अंदर। एंड गाइस अभी दोनों की दोनों थार यहाँ पे खींचने लगी हैं, और देख सकते हो भाई अपनी न्यू थार थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट भाग रही है भाई, भाई पुरानी के कंपेरिजन में भाई न्यू वाली थार हो पुरानी थार ओके काफ़ी पीछे रह गई है गाइस, काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ दिया भाई अपनी न्यू वाली थार ने। आप देख सकते हो भाई साहब स्पीड देखो यार न्यू थार की, ओ भाई सेकंड गियर भी डाल दिया है, ये सेकंड गियर उतना कामयाब नहीं हो रहा भाई टोई ट्रैक में, ठीक है ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट ही गियर में भाई गाड़ियाँ भाग रही हैं यहाँ पर, और भाई पुरानी वाली थार तो बहुत पीछे रह गई है यार, बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है। मतलब मैं भी यार भूल गया हूँ कि ये ड्रैग हो रही है, मेरे को लग रहा है भाई टोइंग चैलेंज में कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ मतलब ऐसा ड्रैग ही हो रही है। अगर गाड़ी मतलब दोनों अगर अच्छी भागे ना तो ड्रैग करने में सोचो कितना मज़ा आएगा, पर वहीं पे यार कभी एक गाड़ी अच्छी भाग रही है कभी एक गाड़ी अच्छी भाग रही है, तो उतना मतलब खास मज़ा नहीं आ रहा है। बट हाँ फिर भी यार मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड गाइस फर्स्ट राउंड में अपनी जो न्यू वाली थार है वो भाई जीतते हुए, ठीक है पुरानी थार बहुत ज़्यादा पीछे रह गई, अभी अपन की बारी आने वाली है भाई पुरानी थार को चलाने के सेकंड राउंड में, तब देखते हैं भाई वो थार कैसा एक्चुअल में परफॉर्म कर रही है। ओके गाइज अपना सेकंड राउंड यहाँ पे हो चुका है स्टार्ट, और गाइज अभी चला रहे हैं भाई अपन पुरानी वाली थार को, एंड देखते हैं भाई अब कौन जीतता है। एंड स्टार्ट हो चुकी है और पुरानी थार भाई क्या कर रही हो, कमॉन भागो। ओके गाइज पुरानी थार भाग रही है भाई, बट यार न्यू वाली थार देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा तेज जा रही है भाई, बहुत ज़्यादा तेज जा रही है, और अपनी पुरानी थार की धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रही है गाइस यहाँ पे। पर यार पुरानी वाली थार मतलब न्यू थार ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुकी है गाइस, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। एंड देख सकते हो ओके सेकंड गियर क्यों डाल रहा है यार बच्चों, सेकंड गियर का तो काम ही नहीं है यार इधर भाई, सेकंड गियर डालने का मतलब नहीं बनता यार, अब तो स्पीड स्लो हो चुकी है गाइस अपनी पुरानी थार की, और भाई न्यू वाली थार काफ़ी तेज़ी से भागा रहा है वो बंदा, काफ़ी तेज़ से भगा रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भगा रहा है। मॉन मेरे को थोड़ा सा हल्का सा वो करना पड़ेगा, ट्रिक मारनी पड़ेगी ताकि ये बंदा सेकंड गियर ना डाले, क्योंकि सेकंड गियर डालते ही गाइस अपन ये ट्रैक हार जाएंगे भाई। और वो देखो भाई न्यू वाली थार तो पहुंचने वाली भी है गाइस, पहुंच भी गई है यार, पहुंच चुकी है और भाई ले सेकंड गियर डालना ज़रूरी है क्या फ्रैंकलिन, भाई वैसे ही अपन ट्रैक हार रहे हैं और भी डाल दिए। मतलब अगर देखा जाए गाइस तो अपनी पुरानी थार भी भाई बहुत पावरफुल है, ठीक है ऐसा नहीं है कि भाई ये एकदम ऐसा खुशी गाड़ी है, नहीं भाई पुरानी थार भी काफ़ी पावरफुल है यार देख सकते हो। हालांकि यहाँ ड्राइवर वाले इशू यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है, ठीक है क्योंकि जब अपन ड्राइव कर रहे हैं तो एटलीस्ट भाई अपनी पुरानी थार भाई फिनिश लाइन तक पहुँची तो है, ठीक है न्यू वाली थार के साथ साथ, पर भाई उस समय तो भाई ये वाली थार को उस बंदे ने बिल्कुल भी नहीं अच्छे से चलाया यार देख सकते हो गाइस। अपन ने जैसे तैसे करके सही मतलब जैसे तैसे क्या गाड़ी ने अपनी पावर लगा के भाई पहुंच गए यार फिनिश लाइन पर, हालांकि यहाँ ड्रैग नहीं जीत पाई दोनों राउंड पर, हाँ भाई एटलीस्ट हमको पहुंचा तो दिया अपन ने यहाँ पे। तो गाइस इस ड्रैग का विनर भी भाई न्यू वाली थार होती है, तो अभी पढ़ते हैं यार अगली कार पे। तो गाइस अभी अपनी ड्रैग रेस यहाँ पे होने वाली है स्कॉर्पियन वर्सेस S11 के बीच में, और देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। तो 3-2-1 एंड गो, और भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई दोनों की दोनों है स्कॉर्पियोस। ओके ओ ओ ओ गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई साहब, इस ड्रैग में तो भाई दोनों की दोनों स्कॉर्पियो जो हैं वो हकते हुए नज़र आ रही है, S11 भी है और स्कॉर्पियन भी। भाई ये मारुति जनरेट इतनी भारी कार है क्या, मैं भाई इस कार को इसलिए लेके आया था मेरे को लगा था इन गाड़ियों को खींचना थोड़ा आसान होगा और ड्रैग में एक मतलब मज़ा सा आ जाएगा, समझ रहे हो मैं इसलिए लेके आया था भाई, ये गाड़ी तो अपनी ही गाड़ियों को दिक्कत दे रही है भाई। ओ गाइस देख सकते हो भाई दोनों की दोनों स्कॉर्पियोज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, वहीं पे बिग डैडी SUV जो है वो थोड़ा सा हैवी ड्राइवर के हाथ में है तो थोड़ा आगे नज़र आ रही है। बट गाइस मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब
क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ सही बताऊँ तो, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि दोनों में से भाई जीतने वाला कौन है, क्योंकि दोनों की दोनों जो कार हैं वो भाई इस कार को खींच नहीं पा रही है, झटके वटके मार के खींच के ले जाना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें। तो एक काम करते हैं गाइस, अभी सेकंड राउंड भी करा के देखते हैं, ठीक है, सेकंड राउंड में S11 चला के देख लेते हैं और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो गाइस अभी सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई अभी क्या होता है, क्योंकि पिछले राउंड में तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भरा था और गाइस S11 परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ओके खींचते हैं, झटके से खींचना स्टार्ट करा है। ओह भाई स्कॉर्पियन तो फिर भी खींच के ले जा रही है भाई, S11 से तो उतना भी नहीं हो रहा है गाइस। ओ भाई बिग डैडी यासु भी देख सकते हो, ओ भाई साहब वो बंदा तो खींच तो भी ले जा रहा है, ले ही जा रहा है, उसकी गाड़ी रुक ही नहीं रही। ओके अब ये रुक चुकी है, बट भाई अपनी S11 क्या कर रही है यार, मॉन। ओ गाइस यहाँ पे तो इसका मतलब विनर है भाई अपनी स्कॉर्पियन, क्योंकि भाई S11 देख सकते हो खींच रही है, बट वहीं पे यार थोड़ा सा पंगा आ जा रहा है, मेरे को लग रहा है भाई वो वाली कार जो है ना एडवांटेज उठा जा रही है भाई 4x4 होने का, और अपनी ये वाली कार 4x2 है, तो इसीलिए भाई स्कॉर्पियो मतलब S11 नहीं खींच पा रही, और स्कॉर्पियन भाई जो है गाइस यहाँ पे जीत गई है। तो गाइस इन दोनों में से भाई स्कॉर्पियन ही क्लियर विनर निकल के आई है। तो गाइस अभी अपनी ड्रैग हो रही है यहाँ पे टाटा सफारी के बीच में, मतलब न्यू वाले और ओल्ड वाले हैं, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भाई, ना तो पुरानी वाली ही खींच पा रही है ना नई वाली ही खींच पा रही है, दोनों की दोनों सफारी जो हैं भाई वो इस मारुति ठंडे जैसी कार को खींचने में हक रही हैं भाई। सही बताऊँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये वाला चैलेंज गाइस हुआ नहीं है, मतलब मेरे को लगा था यार ऐसा सोच मतलब ऐसा करने पे थोड़ा मज़ा आएगा, पर सब उल्टा पुल्टा हो गया, सही बताओ। और ये देखो भाई हरकतें देख रहे हो दोनों की। ओके गाइस तो काम करते हैं, अभी टाइम बर्बाद नहीं करते, सेकंड राउंड करा लेते हैं और सेकंड राउंड में देख लेते हैं एक्चुअल में कौन विनर होता है। ओके गाइस अभी सेकंड राउंड करते हैं, देखते हैं इन दोनों में से भाई कौन जीता है। फर्स्ट राउंड में तो भाई दोनों की दोनों गाड़ियों ने हक दिया था, एंड ओ गाइस भाई स्टॉर्म में पावर है यार पुरानी वाली में देखो। ओके बट न्यू वाली टाटा सफारी में अभी खींच रही है भाई, दोनों खींच रही है, बट गाइस अपनी स्टोम थोड़ा आगे। ओ न्यू वाली सफारी आगे निकलती हुए, ओके उसको ब्रेक मारने पड़े थोड़ा साइड करते हैं उस बंदे को थोड़ा। ओ भाई साहब न्यू वाली टाटा सफारी जो है गाइस, नहीं यार गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, कम ऑन अभी अपन को भी भगाना पड़ेगा। अरे नहीं बट यार अपनी गाड़ी तो यहाँ पर भाग ही नहीं पा रही है। ओके नहीं यार गाइस न्यू वाली टाटा सफारी यहाँ पर जीत रही है यार। ओके राउंड टू में तो मज़ा आ रहा है थोड़ा, मतलब भाई दोनों गाड़ियाँ एटलीस्ट चल तो रही हैं, मतलब फर्स्ट राउंड में यार भाई क्या हुआ था, फर्स्ट राउंड में गाइस दोनों की दोनों नहीं चल रही थी, अभी सेकंड राउंड में देख सकते हो भाई दोनों गाड़ियाँ चल तो रही हैं, और वहीं पे न्यू वाली टाटा सफारी गाइस जीतते हुए नज़र आ रही है भाई। पुरानी वाली सफारी देख सकते हो भाई पूरे टायर स्किड करते जा रहे हैं, बर्नआउट मार रहे हैं भाई, फटना जाए बस, मेरे को डर लग रहा है टायर फट गए ना भाई तब तो रेस जीतना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। हालांकि अभी भी इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि ये वाली टाटा सफारी देखो भाई कितना आगे निकल चुकी है, कम ऑन। ओके गाइस देखते हैं भाई क्या होता है, स्पीड ज़्यादा खास नहीं जा पा रही है, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है गाइस यहाँ पे। ओके गाइस आई थिंक मेरे को लग रहा है न्यू वाली टाटा सफारी जीतेगी, हाँ गाइस वही जीतने वाली है भाई, कोई चांस नहीं है क्योंकि अपनी की जो गाड़ी है भाई वह भै करे जा रही है, मतलब चल तो रही है बस बहुत स्लो चल रही। देखो अभी अपन ने स्टार्टर पॉइंट कितना कम कवर करा है भाई, देखो ज़्यादा दूर नहीं आए अभी हम, और वो वाली कार ऑलरेडी भाई फिनिश लाइन तो पहुँच भी गई है गाइस, वो पहुँच गई भाई। ओ यार गाइस तो इस रैक की विनर भी भाई न्यू वाली टाटा सफारी हुई है। तो आई थिंक गाइस मेरे को लग रहा है कि इस वाली वीडियो में ज़्यादातर जो है न्यू वाली कार्स ही जीती है, पुरानी वाली कार्स काफ़ी कम जीते होंगे, एक आधी जीती होगी मेरे को ऐसा लग रहा है, या फिर हो सकता है कि सारी की सारी नई कार्स ही जीती हों। बाकी यार गाइस आज की जो वीडियो है उसका गाइस टॉपिक कैसा लगा आप लोग वो कमेंट में बताना, मैंने जैसा सोचा था यार एक्चुअल में वैसा नहीं हो पाया भाई। ये जो मारुति 800 है ना दिखने की भाई छोटी सी है, पर एक्चुअल में यार काफ़ी ज़्यादा भारी है, क्योंकि अपनी गाड़ियाँ इसको नहीं खींच पा रही हैं, बट मैं इस कार को यही सोच के लेके आया था, मेरे को लगा था इसको खींचना कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, ड्रैग में भी मज़ा आ जाएगा, पर वैसा यार सीन हो नहीं पाया। तो बाकी गाइज अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखी हो तो पता है क्या करना है यार, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारे भाई को बहुत मेहनत लगी है भाई इस वीडियो को बनाने में, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग लाइक तो ज़रूर से करोगे और सब्सक्राइब भी कर लोगे। बाकी मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।